हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख झीलों के बारे में। यहाँ पे बात करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं, 50+ क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे कवर किए गए हैं, जो कि आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, और जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है कमेंट करके आंसर जरूर बताना है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है अपना कि कोलायत झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। और इसके लिए ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर अजमेर। देखो, कोलायत झील की बात करें तो कहाँ पे है, बीकानेर में। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकानेर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जानते हैं इस कोलायत झील के बारे में। देखो, कोलायत झील की बात करें तो इस झील में स्नान करना धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है, और ये प्राचीन काल में यहाँ पे जो कपिल मुनि नाम के एक ऋषि थे, इनका आश्रम था, और इसीलिए यहाँ पे हर साल मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा पे कपिल मुनि का मेला भरता है। अगर आपसे पूछा जाए कपिल मुनि का मेला कब भरता है, तो आप कहोगे कार्तिक पूर्णिमा पे, और कहाँ भरता है, तो ये भरता है कोलायत झील पे। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेप। अब देखो, यहाँ पे आप गाइस करेक्ट कीजिएगा, गेप नहीं है एक्चुअल में। देखो, ये क्या होता है, देखो गैप होता है, गैप है ना, तो इसको करेक्ट कीजिए। गैप सागर झील जो है वो किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, और इसके लिए ऑप्शंस है उदयपुर, अजमेर, डूंगरपुर या फिर चित्तौड़गढ़। आंसर कीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। अब यहाँ गैप सागर झील की बात करें तो ये एक कृत्रिम जल निकाय झील है, और इसका निर्माण किया महाराज गोपीनाथ ने, इसका निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शंस है पृथ्वीराज ने, अर्णो राज ने, जयसिंह ने या फिर राज सिंह ने। तो देखो, आना सागर झील की बात करें तो ये अजमेर में है, और इसका निर्माण करवाया अर्णो राज ने। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी अगर आपसे कोई पूछे कि जो आना सागर झील है इसमें किस नदी का पानी आता है, तो इस नदी का नाम क्या है गाइस, आप लिख सकते हो बांडी नदी। बांडी नदी का पानी आता है आना सागर झील में। अब इस बांडी नदी की बात करें तो ये लूनी नदी की सहायक नदी है, और इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है, पाली जिले का है। पाली जिले में इसका उद्गम स्थल है, और जो आना सागर झील है ये एक कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक नमक किस जिले में उत्पादन होता है। देखो, सबसे अधिक नमक का पूछा है कि राजस्थान में जो सबसे अधिक नमक है वो किस झील में उत्पादन होता है, उस झील का नाम बताना है। ऑप्शन है सांभर, रेवासा, लूनकरनसर या फिर डिडवाना। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा सांभर झील। अब बात करते हैं सांभर झील की, तो सांभर झील की बात करें तो भाई कुल नमक का जो 8.7% जो हिस्सा है वो इसी में उत्पादन होता है। कहाँ पे, सांभर झील में। और कहाँ पे है ये, जयपुर में है। इसके निर्माता कौन है इस झील के, तो इस झील के निर्माता है वासुदेव चौहान। और जो ये सांभर झील है ये समुद्र तल की बात करें तो समुद्र तल से 1200 फुट ऊंचाई पर स्थित है, और इसमें देखो चार नदी आकर गिरती है इस सांभर झील में। अब ये चार नदियां कौन कौन सी गाइस, तो ये चार नदी हैं रूपनगढ़ नदी, मेथा नदी, खारी नदी और खेंडला नदी। ये चार नदियां हैं जो ये सांभर झील में आकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आ चुका है कि भारत में कुल नमक उत्पादन का सांभर झील जो है इसमें कितना नमक उत्पादित होता है। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में इसको बता चुकी हूँ, 8.7%। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, 8.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को किस झील के किनारे भरता है। तो मैंने देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताई थी गाइस कोलायत झील के बारे में, और उसी में मैंने इस चीज़ को क्लियर किया था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलायत झील यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, कोलायत झील कहाँ पे है, तो ये बीकानेर में है,
और मैंने बताया था कि इस झील में स्नान करना धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है और प्राचीन काल में जो कपिल मुनि है इनका आश्रम था और इसीलिए प्रति वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे कपिल मुनि का मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील जो है इसके निर्माता कौन थे? तो देखो सांबर झील जो है इसके बारे में मैंने बता दिया है, निर्माता कौन थे? वासुदेव चौहान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वासुदेव चौहान जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि जो सांबर झील है ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो आप कहोगे 1200 फुट ऊंची, ठीक है। और इसमें कितनी नदियां आके गिरती है? 4 नदियां गिरती हैं और ये 4 नदियां कौन कौन सी है? रूपनगढ़, मेथा, खारी और केंडला नदी, ये आकर सांबर जो सांबर झील है इसमें गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झील में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक पाई जाती है, उस झील का नाम बताना है, यानी कि वो कौन सी झील है जिसमें सोडियम क्लोराइड जो है इसकी जो मात्रा है क्वांटिटी है वो 98% पाई जाती है, उस झील का नाम बता दीजिए। ऑप्शंस हैं सांबर झील, पंचपद्रा झील, लूणकरण सर झील या फिर डिडवाना झील। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचपद्रा झील। अब यहां पे देखो पंचपद्रा झील की बात करें तो कहां पे है फ्रेंड्स पंचपद्रा झील? कहां पे है? बाड़मेर में। तो आप कहोगे बाड़मेर में है ये पंचपद्रा झील। और इसी के साथ यहां पे पंचपद्रा झील की बात करें तो किसका निर्माण होता है? तो यहाँ पे नमक का निर्माण किया जाता है, ये खारे पानी की झील है। और इस झील की बात करें तो खारवाल जाति के लोग जो है वो मोरली झाड़ी जो होती है, झाड़ी का नाम है, किस्म है एक झाड़ी की मोरली झाड़ी, इसका उपयोग करके नमक स्टफ जो स्पटिक जो है उसको यहाँ पे बनाते हैं, कहाँ पे? पंचपद्रा झील पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़सीसर सरोवर जो है ये कहाँ पे स्थित है? गढ़सीसर सरोवर की बात हो रही है, ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर अजमेर। तो आंसर हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचपद्रा में बड़ी मात्रा में किसका निर्माण किया जाता है? ऑप्शन है सिल्क, नमक, चीनी या फिर लकड़ी के खिलौने। तो राइट आंसर हो जाएगा नमक। और मैंने बताया था कि यहाँ पे होता क्या है कि जो खारवाल जाति के लोग जो है वो मोरली झाड़ी जो है इसका उपयोग करके नमक स्फटिक जो है वो बनाते हैं। तो ये चीज़ हम देख लिए। और जो ये झील कहाँ पे है? पंचपद्रा झील बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जग मंदिर वह या फिर हम कहें जगनिवास महल ये किस झील पर स्थित है? ऑप्शन से पिचोला झील, जैम संबंध झील या फिर पुष्कर झील या फिर नक्की झील। तो गाइस हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पिछोला झील। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पिछोला झील हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पिछोला झील की, तो कहाँ पे है? पिछोला झील की बात करें तो ये उदयपुर में है, ये भी आपको याद रखना है, उदयपुर में है ये। और यहाँ पे देखो पिछोला झील है, इस पे नटनी का चबूतरा है ये भी स्थित है। पूछ सकते हैं आपसे कि नटनी का चबूतरा जो है वो किस झील पे स्थित है? तो आप कहोगे पिछोला झील पे। पिछोला झील का निर्माण किसने किया? राणा लखा ने। और ये मीठे पानी की कृत्रिम झील है। अब यहाँ पे जयसंबंध झील की बात करें तो ये भी उदयपुर में है। पुष्कर झील की बात करें तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे है? पुष्कर झील। पुष्कर झील के बारे में बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो पुष्कर झील की बात कर लेते हैं अजमेर में, अजमेर में, और इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। तो ये चीज़ें देख लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी का नाम बताना है। ऑप्शन है चंबल, माही, नील या फिर यमुना। तो आंसर हो जाएगा चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? ये आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। ऑप्शंस देखिए इसके, ऑप्शन है बनास चंबल, बनास चंबल, अच्छा दो बार बनास दे दिए, या फिर लूनी। तो गाइस हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लूनी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है कि खारी नदी जो है जिस पर अपोहा तंत्र का अंग है उसका नाम बताना है। ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, ऑप्शंस है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर या फिर हिंदू महासागर। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उस प्रसिद्ध झील का नाम बताना है जहाँ पर नटनी का चबूतरा है। मैंने बताया था कहाँ पे है नटनी का चबूतरा। ऑप्शंस है पिछोला झील, जैसंबंध झील, पुष्कर झील या फिर नक्की झील। तो हमारा आंसर हो जाएगा पिछोला झील, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स पिछोला झील, आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखो पिछोला झील तो हमारा आंसर हो ही गया, जैसंबंध झील पिछोला झील है कहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बता चुकी हूँ पिछोला झील के बारे में, उदयपुर में है। जैसंबंध झील उदयपुर में, पुष्कर झील अजमेर में, नक्की झील की बात करते हैं माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पथय सागर झील का निर्माण किसने करवाया ये आपको बताना है। पथय सागर झील की बात हो रही है, ऑप्शन है पथय सिंह ने, उदय सिंह ने, स्वरूप सिंह ने या फिर जय सिंह ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह ने। गाइस देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करती हूँ। एक्चुअल में देखो क्या हुआ, जो फतेह सागर झील है इसका निर्माण कराया जय सिंह ने, लेकिन इसका पुनः निर्माण पूछा जाए कि पुनः निर्माण किसने कराया, तो आप कहोगे महाराणा पथय सिंह ने पुनः निर्माण करवाया इसका। और पथय सागर झील कहाँ पे है, तो ये उदयपुर में है। और इस झील की बात करें पथय सागर झील की, तो ये झील जो है वो पिछोला झील से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलीसेट झील जो है वो किस जिले में है। सिलीसेट झील की बात हो रही है, ऑप्शन है उदयपुर, अलवर, अजमेर, बीकानेर। तो हमारा आंसर हो जाएगा अलवर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं सिलीसेट झील के बारे में। देखो यहाँ पे सिलीसेट झील पे क्या हुआ था कि यहाँ पे 1845 में, देखो लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे क्या हुआ था कि 1845 में अलवर के जो महाराणा थे, महाराजा थे जिनका नाम विनय सिंह, इन्होंने यहाँ पे अपनी पत्नी के लिए एक शाही महल और लॉज बनवाया था, जिसको वर्तमान में लेक पैलेस होटल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लवणीय या फिर हम कहें खारे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन है पंचपंद्रा, कावोद, डीडवाना या फिर कोलायत। तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा कोलायत, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलायत, आपको याद रखना है। और कोलायत के बारे में मैं सारी चीजें बता चुकी हूँ। कोलायत झील है ये कहाँ पे है, बीकानेर में है। और ये जो झील है कोलायत झील, इस झील में स्नान करना धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र माना जाता है। और जो कोलायत झील है इसके किनारे क्या था कि कपिल मुनि जो है उनका आश्रम था, और इसीलिए प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे कपिल मुनि का मेला भरता है कोलायत झील पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला जो है वो कौन सा है, उसका नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे उन सभी जिलों का नाम आपको याद होना चाहिए जो जवाई सागर परियोजना से लाभान्वित नहीं होते, तो उनका नाम आप नोट डाउन कर सकते हो, बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। ये वो जिले हैं जो कि जवाई परियोजना है इससे लाभान्वित नहीं होते हैं। तो जो आपका आंसर होगा गाइस आपको पता चल चुका होगा क्या हो जाएगा, बाड़मेर। बाड़मेर यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। अच्छा बाड़मेर सिरोही, सिरोही भी होना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पे होने चाहिए। देखो बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर और अच्छा ये सारे के सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो लाभान्वित नहीं होते ये बोला है। और यहाँ पे हम जो जिले लाभान्वित नहीं होते हैं उनके नाम नोट डाउन कर सकते हो, मैं बता चुकी हूँ बाड़मेर है, सिरोही है और उदयपुर भी है और राजसमंद भी है। तो यहाँ पे जो एक और ऑप्शन आना चाहिए कि ये सारे के सारे वो जिले हैं जो इससे लाभान्वित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि भाई बाड़मेरी, क्योंकि देखो आंसर हम देख चुके हैं गाइस, यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा और ये सारे के सारे सही हैं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अब ये लाभान्वित होने वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं, जालोर और पाली। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जालोर की लाइफलाइन कहा जाता है जवाई परियोजना को, और जो जालोर है इसके 22 गांव ऐसे हैं जिनको लाभ मिलता है इससे, और पाली जो जिला है उसके 33 गांवों को इस परियोजना से लाभ मिलता है। तो लाभान्वित होने वाले कौन से हैं, जालोर, पाली और ये जो चार जिले हैं ये इससे लाभान्वित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन परियोजना के बारे में पूछा है कौन से जिले में है। ऑप्शन है बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाई परियोजना किस जिले से प्रारंभ होती है ये पूछा है। ऑप्शन है पाली, सीकर, चूरू, अजमेर। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाली, और पाली के बारे में बता चुकी हूँ कि पाली के कितने गांव हैं, तो पाली के हैं टोटल 33 गांव है, 33 गांव और 33 विलेज ऐसे हैं जिनको लाभ मिलता है इस परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नहर परियोजना किन जिलों में पानी मिलता है यह आपको बताना है। नर्मदा नहर परियोजना के बारे में बोला है कि इससे किन जिलों में पानी मिलता रहा है, तो किन जिलों में पानी मिलता रहा है ये बोला है। ऑप्शंस यहाँ पे आप देख सकते हो, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा जालोर, बाड़मेर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली सिंध परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है झालावाड़, बांसवाड़ा, नागपुर या फिर रायपुर। तो जो काली सिंध परियोजना की बात करें तो ये झालावाड़ में स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर झील पर हर वर्ष मेला कब लगता है गाइस। तो आंसर आप देख ही चुके हो, आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा। अब यहाँ पे जानते हैं फ्रेंड्स पुष्कर झील के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ पुष्कर झील है कहाँ पे।
तो गाइस ये है अजमेर में है, और देखो राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे पवित्र झील, तो आप कहोगे पुष्कर झील। और फैक्ट्स जानते हैं इससे जुड़े हुए। देखो पुष्कर झील की बात करते हैं फ्रेंड्स, पुष्कर झील की, तो इसका निर्माण किसने करवाया, तो भगवान ब्रह्मा जी है, उन्होंने पुष्कर झील जो है इसका निर्माण कराया। और ऐसा माना जाता है कि इस झील में, देखो एक और चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ कि ये जो झील है ना, कौन सी, पुष्कर झील, इसके निकट ही ब्रह्मा जी का मंदिर है। और यहाँ पे देखो ऐसा माना जाता है कि जो पुष्कर झील है, इसमें नहाने से, इसमें स्नान करने से त्वचा से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं, और त्वचा जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, ऐसा माना जाता है यहाँ पे, मतलब कि पुष्कर झील के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमसागर सिंचाई परियोजना का संबंध पूछा है किस जिले से है। ऑप्शन है भीलवाड़ा, बीकानेर, झालावाड़, नागौर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैप सागर झील किस जिले में है, बता चुकी हूँ मैं किस जिले में है, डूंगरपुर में है। और यहाँ पे देखो जो ये गैप सागर झील है, इसके बारे में मैंने एक चीज आपको बताई थी, कृत्रिम जल निकाय झील है और इसका निर्माण कराया महाराज गोपीनाथ ने। अब देखो यहाँ पे, अच्छा इससे रिलेटेड फैक्ट आप ये देख ही सकते हो, कब इसका निर्माण कराया, 1428 में। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए गढ़ी सर सरोवर जो है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बीकानेर, तो गढ़ी सर सरोवर की बात करें तो ये जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ध्यान दीजिए, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जा रही है आपसे। ऑप्शन है पिछोला झील, आना सागर झील, जयसंबंध झील या फिर राजसंबंध झील, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जयसंबंध झील है, वो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये कहाँ पे है तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, उदयपुर में है। नेक्स्ट देखो इससे रिलेटेड फैक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जयसंबंध झील जो है, देखो राजस्थान में तो सबसे मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील है राजस्थान में, और विश्व में ये दूसरी और एशिया में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतमपुरी झील जो है वो राजस्थान के किस जिले में है। ऑप्शन है भीलवाड़ा, सीकर, जालोर या फिर चित्तौड़गढ़, तो पीतमपुरी झील की बात करें तो ये कहाँ पे है, सीकर में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस झील की बात करें तो ये खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवल सागर झील जो है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, बूंदी, कोटा। नवल सागर झील की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पे है, बूंदी में, आंसर होगा ऑप्शन सी बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील के किनारे पर्यटन सनसेट का दृश्य देखते हैं। सनसेट का जो दृश्य है वो किस झील के किनारे से देखते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, पिछोला झील, राजसंबंध झील, पुष्कर झील या फिर नक्की झील, तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा नक्की झील। अब यहाँ पे जरूरी है नक्की झील के बारे में जानना। सबसे पहले देखो एक चीज आप नोट कर लेना फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण देवताओं के द्वारा अपने नाखूनों से खोदकर किया गया था, तो वो झील है नक्की झील। नक्की झील वो झील है जिसका निर्माण किया गया देवताओं के द्वारा अपने नाखूनों को खोदकर। और नक्की झील है ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है जो कि माउंट आबू में स्थित है। कहां पे है, माउंट आबू में। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी गई है। ऑप्शंस है राजसंबंध झील, जयसंबंध झील, पुष्कर झील या फिर नक्की झील, तो हमारा आंसर हो जाएगा जयसंबंध झील जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयसंबंध झील कहाँ पे है, बता चुकी हूँ मैं। ऑप्शंस हैं जयपुर, राजसंबंध, उदयपुर या फिर जोधपुर। फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा उदयपुर, राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसमें से बताना है कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। ऑप्शंस हैं सांभर, रहवासा, लून करण सर या फिर नक्की, तो आंसर हो जाएगा नक्की। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नक्की झील जो है वो खारे पानी की झील नहीं है। नक्की झील, नक्की झील के बारे में ऑलरेडी जितने फैक्ट्स बने हैं वो सारे मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट, बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में फ्यूलोरोसिस की समस्या से पीड़ित जो कुबट पट्टी क्षेत्र है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शंस है नागौर, अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर पाली, सिरोही, तो हमारा आंसर हो जाएगा नागौर, अजमेर, यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है।
ऑप्शन है पिछोला झील, राजसमंद झील, पुष्कर झील या फिर नक्की झील। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा पुष्कर झील। और पुष्कर झील के बारे में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। कहाँ पे है? अजमेर में है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। और इसका निर्माण किसने कराया? तो भगवान ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण कराया गया। और जो ये जो झील है इसके निकट ही ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। और इस झील में जो पुष्कर झील है इसमें स्नान करने से ऐसा माना जाता है कि त्वचा से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड जितने भी डिजीज होती हैं, जितने भी रोग होते हैं वो सारे खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की महारानी जिनका नाम है मैरी, तो इनकी दिसंबर 1911 की जो भारत यात्रा है इसके स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट जो है इसका निर्माण कहाँ पे किया गया? ऑप्शन से पिछोला झील पे, जैसमंद झील पे, पुष्कर झील पे या फिर नक्की झील पे। फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा पुष्कर झील पे। कहाँ पे है? अजमेर में है। और नक्की झील कहाँ पे? माउंट आबू में। जैसमंद झील है कहाँ पे है? उदयपुर में है। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखो फालतू की चीज़ें तो हम यहाँ पे डिस्कस ही नहीं कर रहे गाइस, जितना इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछोला भी उदयपुर में है। चलो देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वो कौन सी झील है जिसमें प्राप्त नील हरित शैवाल जो है इसे N2 युक्त जो खाद जो है वो प्राप्त होती है, उस झील का नाम बताना है। ऑप्शंस सांबर, सरदार संबंध, पंचपद्रा या फिर मोती झील। आंसर हो जाएगा मोती झील, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अजमेर की जो आना सागर झील है इसमें किस नदी का पानी आता है? फ्रेंड्स बताया था बांडी नदी, मैंने आपको बताया था बांडी नदी, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बांडी नदी हो जाएगा। और यहाँ पे देखो बांडी नदी के बारे में मैंने फ्रेंड्स ऑलरेडी एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस की थी। जो बांडी नदी है ये लूनी नदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? पाली जिले में है। आना सागर झील क्या है फ्रेंड्स? आना सागर झील एक कृत्रिम झील है। देखिए इसे जुड़े फैक्ट्स ऑलरेडी बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी झील है जिसका निर्माण देवताओं के द्वारा अपने नाखूनों को खोदकर किया गया? ये भी बताया था मैंने। जो नक्की झील जो है इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों को खोदकर किया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ये जो झील है नक्की झील, ये राजस्थान की सबसे ऊँची झील है और कहाँ पर है फ्रेंड्स? माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतानाडी जो है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनाल का झरना किन जिलों के की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी में किस झील का निर्माण कराया गया? ऑप्शन है पिछोला झील, सांबर झील, नक्की झील या फिर दुधिया झील। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नक्की झील। नक्की झील के बारे में सारे फैक्ट्स डिस्कस कर ही लिए हैं तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, गैरसागर झील किस जिले में स्थित है? ये भी मैंने बता चुकी हूँ गाइस, कहाँ पे है गैरसागर झील के बारे में मैंने आपको बताया था, डूंगरपुर। आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, ऑप्शन ए। और ये किस तरह की झील है? कृत्रिम जल निकाय झील है। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया? महाराज गोपीनाथ ने इसका निर्माण कराया। राजस्थान में कौन सी झील है जो नमक उत्पादन में अग्रणी है, उस झील का नाम बताना है? ऑप्शन है नक्की झील, पिछोला झील, सांबर झील या फिर डीडवाना झील। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सांबर झील, यहाँ पे राइट आंसर है। और कहाँ पे है फ्रेंड्स? जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील कौन सी है ये आपको बताना है। ऑप्शन है राजसमंद झील, कायलाना झील, सिलीसेट झील या फिर पंचपद्रा झील। तो आंसर हो जाएगा पंचपद्रा झील, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। पंचपद्रा झील आपको याद रखना है, पंचपद्रा से रिलेटेड फैक्ट मैंने आपको बताए थे। पंचपद्रा झील कहाँ पे है? बाड़मेर में है। और नमक का निर्माण यहाँ पे होता है। और इस झील में जो खारवाल जाति के जो लोग हैं वो मोरली झाड़ी जो है इसका उपयोग करके नमक बनाते हैं। नेक्स्ट, चलो गाइस इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा बगल में, उस पर क्लिक कर ले जिससे जो भी वीडियो हम डालें उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।